भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है तथा पिछले 5 चरणों में हुए चुनावों से मिले रुझानों ने यह सिद्ध कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों और आतंकवादियों की कोई जगह नहीं है और ये बात पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चलाई गई सरकार ने सिद्ध कर दिया है और यही कारण है कि अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बौखलाए गए हैं और जनसभाओं में जनता को संबोधन के दौरान तमाम प्रकार के वादे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान विकास के नाम पर जनता को सिर्फ धोखा मिला है तथा इतना ही नहीं, सरकार में रहने का गलत उपयोग करते हुए आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए अपराधियों पर हुए आपराधिक मुकदमे वापस लेने की कोशिश की गई। अब जनता जानती है कि पिछले 5 सालों में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चलाई गई सरकार में अपराधियों के खिलाफ सिर्फ कार्रवाई हुई और उन्हें जेल भेजा गया। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की जनता सुकून में जीवन व्यतीत कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले सरकारों में कभी उत्तर प्रदेश की जनता को गर्व हो ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, सरकार के इस नए प्रयास के बाद आज उत्तर प्रदेश की भारत में एक नई जगह बनी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 नए गौरव स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 चरणों में हुए चुनावों में यह स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बौखलाए नजर आ रहे हैं और जनता के सामने अपनी लुभावनी बातें कर रहे हैं, उनको बहला रहे हैं, लेकिन जनता को यह समझना होगा कि सरकार पिछले 3 बार की सरकार में बदलाव नहीं कर पाई, वो अब क्या करेगी। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, और 5वें चरण तक आते आते बहुत स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने निर्णायक, प्रभावी और प्रचंड जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने का निर्णय लिया है। आज जहां चुनाव हो रहा है वहां अयोध्या भी है और प्रयागराज भी है और आगे जहां चुनाव होगा ये पूरा पूर्वांचल का हिस्सा, जिसमें अगले आज को मिलाकर 3 चरण और अगले 2 चरणों में चुनाव होगा। हमने क्यों अयोध्या और प्रयाग का उल्लेख किया? प्रयाग का कुंभ मेला हमारी सरकार आने के बाद यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में उल्लिखित हुआ और हमारी सरकार आने के बाद ही अयोध्या में प्रतिवर्ष दीपोत्सव हुआ, जिसका कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम हुआ और वहाँ भव्य भगवान राम का मंदिर बन रहा है, वह एक विषय है। तो मैंने सिर्फ ये उदाहरण दिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसी क्षेत्र के 2 प्रतीक हमारे सांस्कृतिक गौरव के प्रतीक किस प्रकार से स्थापित हुए। दूसरी तरफ स्थिति यह है कि मुख्य विपक्षी दल और अन्य विपक्षी दल अपनी अवश्यंभावी पराजय को देखकर पूरी तरीके से ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपना संतुलन और होशो हवास खो बैठे। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लगातार नाना प्रकार के वादे करने का प्रयास करते हैं, तो यह बात आधारहीन ही नहीं हास्यास्पद लगती है, क्योंकि विगत 32 वर्षों में सबसे ज़्यादा समय तक 13-14 वर्ष तक समाजवादी पार्टी ने इस उत्तर प्रदेश में शासन किया और ये उनकी पार्टी का ही नहीं उनके परिवार का शासन था। तो इतने समय में जब आप नहीं कर पाते हैं और उसके बाद आप वादा करते हैं तो आपकी बात की किसी भी प्रकार की विश्वसनीयता यानी क्रेडिबिलिटी दिखाई नहीं पड़ती। मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार आने से पहले इस पूर्वांचल के क्षेत्र की किस प्रकार की छवि और किस प्रकार की तस्वीर थी। याद करिए, अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी, यहाँ की अदालतों में जिन्होंने बम धमाके किए थे, उन आतंकवादियों से केस विड्रॉ करने का प्रयास किया गया, न्यायालय के हस्तक्षेप से वह रुका और उसमें सभी को सजा हुई। गोरखपुर में 2007 में जो बम धमाके हुए थे उसके मुख्य 2 आरोपी दोनों से केस विड्रॉ करने का प्रयास 2013-12 में आने के साथ ही अखिलेश यादव की सरकार ने किया
और हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण वो ये नहीं कर पाए और एक को सजा हुई, दूसरा जिसकी हीट स्ट्रोक से मृत्यु हो गई थी उसके लिए आपको पता है 42 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई और सीबीआई की जांच करवाई गई और सीबीआई की जांच में किसी भी प्रकार की बात नहीं निकली। आप समझिए कि सुरक्षा बलों के मनोबल से खिलवाड़ करके राष्ट्र विरोधी आतंकवादी शक्तियों को से हाथ मिलाकर किस प्रकार के कार्य होते थे। याद करिए वो एक दौर था जब उत्तर प्रदेश के ही एक बड़े बाहुबली के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक पुलिस अधिकारी को इस सीमा तक प्रताड़ित किया गया कि उसे इस्तीफा देना पड़ा। याद करिए इसी क्षेत्र में वह मऊ का दंगा जिसमें एक कुख्यात बाहुबली जलवाये जलाल के साथ खुली जीप में पुलिस के संरक्षण में घूमते हुए नजर आते थे और अब उनकी स्थिति यह है कि वो पंजाब में जाकर कांग्रेस की सरकार के दामने रहमत में अपने को महफूज महसूस करते हैं। ये अंतर है, इसीलिए अपराधी हो या आतंकवादी, योगी जी की सरकार आने के बाद ये अंतर आया है कि पूर्वांचल में जो पहले वो जलवे से रहते थे अब वो जलवे में रहते हैं। और इसीलिए मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जहां के बारे में चाहे मुंबई के आजाद मैदान की घटना हो या दिल्ली का बटाला हाउस इनकाउंटर, सारे के सारे संबंध आकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों से जुड़ जाया करते थे और मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अबू सलेम, छोटा शकील जैसे नाम सहज लोगों की चर्चा में रहते थे। हमने आने के बाद क्या परिवर्तन किया है? आज वहां आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय बन रहा है, गोरखपुर में एम्स बन रहा है, फर्टिलाइजर की फैक्ट्री शुरू हो रही है, सरयू नहर प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, जगदीशपुर से हल्दिया की जो गैस पाइपलाइन है पीएनजी की जो इस बड़े क्षेत्र से गुजरेगी और 20 लाख लोगों को उससे लाभ होगा। और इसी के साथ साथ आप देखें तो केवल गोरखपुर जिले में ही 19 ऑक्सीजन के प्लांट लगे हैं ताकि यहाँ की जो एक बहुत दुखद महामारी थी दिमागी बुखार जिसे इंसेफेलाइटिस कहते थे उससे बचने के लिए पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। आसपास में देवरिया, बस्ती सब जिलों में 6 से लेकर 8-9 ऑक्सीजन प्लांट्स लगे हैं, इसलिए इन घटनाओं में अब भारी कमी देखने को मिल रही है। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिखाई पड़ रहा है, पिछले वाले लोग सिर्फ वादा करते थे और कागज पे एक चित्र उकेर कर उसे उन्होंने ट्वीट करने का प्रयास किया था जो 21 दिसंबर 2016 का था, यानी अधिसूचना लगने से 10 दिन पहले का, और उन्होंने सिर्फ कागज पे चित्र उतारा, हमने एक्सप्रेसवे के ऊपर युद्धक विमान उतारा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि उन लोगों के सिर्फ वादे थे और हमने वह सारे कार्य करके दिखाए। इस पर मुझे ध्यान आता है एक प्रख्यात समाजवादी कवि हुए हैं, देवरिया के थे, गोरख पांडे, जिन्होंने कुछ साल पहले लिखी थी, आज के समय में समाजवादियों बिल्कुल उपयुक्त आती है। उन्होंने कहा था, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। आगे उन्होंने लिखा था, वादा से आई, लबादा से आई, हरदम आकाश से रहा तक आई, यानी आकाश दिखाते रहेंगे, धीरे धीरे आई, चुपके चुपके आई, आखियन पर आकर पर्दा लगाई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। तो आज जो बबुआ बोल रहे हैं वहाँ जो पर्दा लगावे कोशिश कर रहे हैं तो सोचें कि जातिवाद का पर्दा लगाकर अपने परिवार की सत्ता शक्ति और समृद्धि अपने हाथ में केंद्रित रखने का जो प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत बुद्धिमान, समझदार, विवेकशील है, पूर्वांचल में राजनीतिक जागरूकता और भी अधिक है तो वो उसे भली भांति समझ सकते हैं। हमने सिर्फ इसी के साथ यह परिवर्तन नहीं किया, आपने देखा कि काशी विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर उठ रहा हो, अथवा अयोध्या में निर्माण हो रहा हो, अथवा भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहले बना। और इन लोगों ने क्या किया आप याद करिए, चौथे चरण के चुनाव के दिन सिराथू में अखिलेश जी ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा को जिस तिरस्कारपूर्ण तरीके से
हटाया, यह भारतीय संस्कृति के प्रति उनके मन में जो अवमानना है, जो भारतीय संस्कृति के जितने भी प्रतीक श्रद्धा के केंद्र हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, उनके बारे में अवमानना का प्रतीक, और ये अवमानना उनकी कोई एक घटना नहीं है, ये उनकी आदत, फितरत, शरारत तीनों का हिस्सा है। क्योंकि इनके पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क जैसे कई अन्य पदाधिकारी सांसदों के साथ साथ उस तालिबान का समर्थन कर चुके हैं जिसने भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे बड़ी बामियान में मूर्ति तोप लगा के उड़ाई थी। उनके साथ आप रहते हैं, उनके कार्रवाई नहीं करते हैं, उनके लिए एक शब्द नहीं बोलते हैं, और भगवान बुद्ध की प्रतिमा का आप तिरस्कार करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये वही गोरखपुर है जहां पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी बलिदानी रामप्रसाद बिस्मिल जी को फांसी हुई थी, और जिस प्रकरण में फांसी हुई थी, मैं आप लोगों के सुलभ संज्ञान के लिए बता देना चाहता हूँ, काकोरी का प्रकरण था, और उसमें अंग्रेजों के जो वकील थे वो कांग्रेस पार्टी के नेता थे। वो लोग किस प्रकार की फितरत रखते थे ये हम भली बात ही समझते हैं, और रामप्रसाद बिस्मिल जी ने फांसी के तख्ते को चूम चढ़ के फांसी के फंदे को चूमते समय जो अपनी आखिरी नज्म लिखी थी, तो उन्होंने ये कहा था कि मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, जब तक कि तन में जान बदन में लहू रहे, तेरा ही जिक्र या कि तेरी आरजू रहे, तेरा ही जिक्र या कि तेरी जुस्तजू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। यानी भारत के लिए ये समर्पण था कि मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, बस तेरा जिक्र और तेरी जुस्तजू रहे। और ये वो लोग हैं, मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं, आपकी पार्टी के क्या किसी भी नारे में आज तक भारत माता की जय बोला गया, वंदे मातरम बोला गया? क्यों नहीं बोला जाता है? और इतना ही नहीं, आज तक भारत माता के लिए डायन शब्द का प्रयोग करने वाले आपके अजीम व आजम नेता के लिए आज तक आपने माफी मांगी है क्या? तो बहुत साफ है कि अब अगले दो चरणों में, और आज का जो मतदान हो रहा है इसमें यदि मिला लें तो तीन चरणों में, विकास का नया स्वरूप, गरीब को अनाज दिलाना हो, गरीब को मकान दिलवाना हो, गरीब को शौचालय दिलाना हो, वहां से लेकर विकास का नया एक्सप्रेसवे, विकास का नया भवन बनाना हो, या भारतीय संस्कृति के गौरव के मान बिंदुओं की पताका को आकाश में स्थापित करना हो, एक तरफ वो हैं जो केंद्र में मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो भगवान बुद्ध का तिरस्कार करने से लेके भारत माता को डायन कहने के लिए आज तक क्षमा नहीं मांग रहे। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, एक संयोग भी है, ये गोरखपुर जो इसका पुराना नाम है, गोरखपीठ से आप देखिए राम मंदिर का संबंध क्या है। ये आप लोग प्रबुद्ध हैं इसलिए मैं ये भी एक लाइन बता देना चाहता हूं। दिसंबर 1949 में जब वहां श्री रामलला प्रकट हुए थे तो उनकी सबसे पहले पूजा अर्चना किसने की थी? इसी गोरखपीठ के महंत दिग्विजयनाथ जी ने। फिर 1986, 87, 88 में जब श्री राम जन्मभूमि आंदोलन प्रबलता के साथ, प्रखरता के साथ भारत में उभर कर सामने आया, तो उसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने? दिग्विजयनाथ जी के शिष्य और यहीं के महंत अवैद्यनाथ जी। और जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने न्यायालय का निर्णय आने के बाद राम मंदिर का शिलान्यास किया, तो हमारे मुख्यमंत्री कौन थे? इसी गोरखपीठ के महंत और अवैधनाथ जी के शिष्य वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। बस आप ये समझ लीजिए कि ये गोरखपुर का भी एक गहरा सांस्कृतिक, आत्मिक, दैविक संबंध है जो कुछ भारत में घटित हो रहा है। इसलिए मैं अंत में एक बार पुनः यह कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी के ने अपने विकास के द्वारा, पारदर्शी ईमानदार शासन के द्वारा, अपने अंत्योदय के द्वारा और कानून व्यवस्था से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक जो सुदृढ़ता दिखाई है, इस कारण से प्रदेश की जनता निर्णायक जनादेश
हमारे पक्ष में देने जा रही है और 10 मार्च को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो हम 300 के पार का अपना लक्ष्य साकार करते हुए दिखाई पड़ेंगे। धन्यवाद।